गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड नाउ वी आर इन 9th क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम। हमने अपनी कल की वीडियो में कवर किया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट जाइलम टिश्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट्स हैं, दो टिश्यूज़ को हम स्टडी करते हैं एंड बोथ द टिश्यूज़ आर वेस्कुलर टिश्यूज़, वन इज़ जाइलम एंड अनदर इज़ फ्लोएम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लोएम। एज यू नो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज़ दैट टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल बट इट परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो बना हुआ तो होगा एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स का, लेकिन फंक्शन वो केवल एक ही परफॉर्म करेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे जाइलम में था वो 4 टाइप्स के सेल्स थे लेकिन फंक्शन एक ही हो रहा था, ये स्पेसिफिकली कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट और वी कैन से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर भी जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू का काम है फूड को कंडक्ट कराना। यहाँ पर लीव्स में प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। अब उस फूड बन तो गया है लीव्स में, या फिर जो अपर एरियल पार्ट्स हैं ग्रीन कलर के होने चाहिए, तो ग्रीन कलर के जो अपर एरियल पार्ट्स हैं उनमें या लीव्स में जो है फूड प्रिपरेशन हो रहा है। अब बन तो रहा है फूड वहाँ पर, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरा अप टू द रूट टिप, फाइन, ब्रांचेस में, ब्रांचेस टिप तक, हर पार्ट तक फूड को जाना है। तो उस फूड को कंडक्ट कराना पड़ेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस फूड ट्रांसपोर्टेशन में जो टिश्यू यूज होगा दैट इज फ्लोएम, फाइन। नाउ लुक एट हियर, फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बास्ट। इसको बास्ट भी कहते हैं, बास्ट। द वर्ड फ्लोएम इज डेवलप्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एंड द ग्रीक वर्ड इज फॉलोज विच मीन्स बार्क, फाइन। यानी इस वर्ड का जो ओरिजिनेट हुआ है वह ग्रीक वर्ड से हुआ है। मोस्टली जो बायो में हम वर्ड्स यूज करते हैं या तो ग्रीक लैंग्वेज से डेवलप हुए हैं या फिर वो लैटिन लैंग्वेज से डेवलप हुए हैं। तो ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से डेवलप हुआ है, जिस जो फॉलोज वर्ड है, फॉलोज वर्ड का मतलब है बार्क, क्लियर। तो यहाँ पर फ्लोएम इज द सेकेंड वेस्कुलर टिश्यू। ये जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू, जैसे जाइलम में हमने स्टडी किया था वहाँ पे 4 टाइप्स के सेल्स थे, आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स ओनली 1 सेल इज लिविंग, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। उसके अलावा जो जाइलम ट्रैकीट्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, वो डेड थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट उससे अपोजिट सिचुएशन आएगी। यहाँ पर 4 टाइप्स के सेल्स इसमें होंगे, सीव ट्यूब्स होंगे, कंपेनियन सेल्स होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम फाइबर्स, यानी 4 टाइप्स के सेल हैं। इन 4 टाइप्स में से केवल फ्लोएम फाइबर डेड होगा, इसके अलावा जो बाकी 3 टाइप्स हैं, या इसमें अगर हमने से सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा हैं, ये लिविंग एलिमेंट्स हैं। ये ध्यान रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ज़रा, फ्लोएम इज ए लिविंग टिश्यू, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 टाइप के सेल्स हैं, उनमें से जो है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर लिविंग, सो वी कैन से फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू। सो लिविंग फूड कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, फूड को कंडक्ट कराना। और पूरे प्लांट की लेंथ में रूट टिप से लेकर प्लांट के एपेक्स तक, ब्रांचेस के टिप तक, जहाँ जहाँ तक जाइलम पूरा एक्सटेंड हो रहा है पूरी लेंथ में, फ्लोएम भी उसके साथ साथ एक्सटेंड होगा, फ्लोएम उसी के साथ प्रेजेंट होगा, फाइन। तो यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर ये फूड प्रिपेयर होगा, और जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उन स्टोरेज ऑर्गन्स में वो फूड जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है प्लांट के हर पार्ट में, उसको जाना है हर पार्ट में, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर है, व्हाटएवर, जो भी पार्ट उस वक्त प्रेजेंट है प्लांट में,
हर पार्ट तक इस फूड को पहुंचना है। कहां से पहुंचना है? ग्रीन पार्ट यानी लीव्स में बन रहा है, उसके बाद में वो स्टोर हो रहा है, कुछ तो लीव्स में, उसके अलावा अदर सेल्स में भी स्टोर हो जाता है। तो जहाँ स्टोरेज पार्ट है वो, और जहाँ प्रिपरेशन पार्ट है फूड का वो, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट के हर एक सेल तक, चाहे वो रूट का सेल है, चाहे वो लीव्स में भी, क्योंकि लीव्स को भी तो फूड चाहिए, बेशक चाहे वो फूड बना रहे हैं पर उनको भी तो फूड चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ भी चाहिए। उसके साथ साथ ब्रांचेज हैं, फ्लावर है, अगर बड है, तो जो भी पार्ट है हर पार्ट तक जाना है। फ्रूट डेवलप हो चुका है तो फ्रूट तक भी पहुँचना है उस फूड को। तो इस तरीके से जाइलम के साथ साथ ये प्लांट के पूरी लेंथ में एक्सटेंड रहेगा, पूरी लेंथ में फैला रहेगा। फाइन, अगर हम फ्लोएम का डायग्राम देखें तो देखिए फ्लोएम में अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं कि फोर टाइप्स के सेल्स हैं, जैसे सीव ट्यूब्स हैं जिनको हम सीव एलिमेंट्स भी कहते हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा हैं एंड फ्लोएम फाइबर्स हैं। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम हमने लिया है फ्लोएम का। फ्लोएम को अगर हम कट करके देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से अपीयरेंस आता है। यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये देखिए ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, ये पूरा बीच वाला जो पार्ट है ये होता है सीव ट्यूब, यानी एंड टू एंड कनेक्ट होके पूरी एक लॉन्ग ट्यूब बन जाती है। इसको सीव ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूरा एक पार्ट है इसके दोनों एंड्स पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, जैसे छलनी होती है सीव, छलनी में छोटे छोटे छेद होते हैं और उस पर अगर कोई लिक्विड डाला जाए तो वो पास हो जाता है नीचे, तो ऐसे ही यहाँ पर है। इन छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं सीव पोर्स, सीव पोर्स, और इन सीव पोर्स के थ्रू जो फूड है वो कंडक्ट होगा। और ये वाला पूरा पोर्शन जिसके अंदर ये पोर्स प्रेजेंट हैं इसको कहते हैं सीव प्लेट। तो देखिए सीव प्लेट्स जो हैं, ये जो सीव ट्यूब है, इस सीव ट्यूब के दोनों एंड्स पर सीव प्लेट प्रेजेंट है, और उस सीव प्लेट पर ये सीव प्लेट प्रेजेंट है, और सीव प्लेट में जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये पोर्स हैं सीव पोर्स। फाइन, ये देखिए ये सीव प्लेट दिस वन, एंड ये है सीव पोर्स, सीव पोर्स। ये जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के एक साइड में ये देखिए ये फ्लोएम, ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल है, पैरेन्काइमा की बनी हुई लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं, तो क्योंकि इसके साथ ही एसोसिएटेड हैं इनको कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इस साइड में भी ये लिविंग सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये जो ये लिविंग सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ये जो लिविंग सेल्स, इनको हम क्या कहेंगे? कंपेनियन सेल्स। यानी सीव ट्यूब्स के एक साइड में है कंपेनियन सेल्स और एक साइड में है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड वन टू थ्री, तीनों के तीनों जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं। अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये इसका मेन कंडक्टिंग पार्ट है, मेन कंडक्शन का जो पार्ट है, जो कंडक्ट करा रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो मेनली कौन सा है? सीव ट्यूब है। इसमें हेल्प कौन करेंगे? कंपेनियन सेल हेल्प करेंगे इसको कंडक्शन में, बट कंडक्ट कौन करेगा? सीव ट्यूब कंडक्ट करेंगे। और ये जो पैरेन्काइमा है ये स्टोरेज का काम करेगा, फूड को स्टोर करेगा। क्लियर? अब देखिए ज़रा, ये तो था डायग्राम हमने अभी डिस्कस किया है, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स करें कि जो फोर पार्ट्स हैं इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है सीव ट्यूब्स और एलिमेंट्स, चाहे तो सीव ट्यूब्स और सीव एलिमेंट्स। ये जो सीव ट्यूब तो है ही, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी ट्यूब जुड़ के पूरी एक लंबी लॉन्ग ट्यूब बना लेते हैं इलोंगेटेड, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही है। लेकिन सीव वर्ड इसलिए क्योंकि दोनों एंड पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, सीव पोर्स जिनको कहते हैं, प्लेट्स के ऊपर, सीव प्लेट्स के ऊपर, इसीलिए इन एलिमेंट्स को जो हम कहेंगे सीव ट्यूब्स। सो सीव ट्यूब्स आर मेन कंडक्टिंग पार्ट, जो फ्लोएम का मेन फूड कंडक्टिंग पार्ट है वो है सीव ट्यूब्स। अब ये जो सीव ट्यूब्स है, अगर शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप सेल्स हैं,
और वर्टिकल रो में होंगे एक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। सो इस तरीके से ये वर्टिकल रोज में प्रेजेंट होंगे, वर्टिकल रोज में प्रेजेंट है। क्लियर? आप देखिए ये एक दूसरे के साथ मिलके पूरा एंड टू एंड कनेक्ट है। यहाँ पर एक ट्यूब का एंड खत्म हुआ तो दूसरी ट्यूब जुड़ गई, उसके ऊपर तीसरी ट्यूब जुड़ गई। सो इस तरीके से ये जो होंगे एक दूसरे के साथ ट्यूब्स कनेक्टेड होंगे। क्लियर? यहाँ पर हम देखें तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो मैच्योर सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, सीव ट्यूब के मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो यहाँ न्यूक्लियस का काम कौन कर रहा है, इनको, इनके फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो देखिए इनके साथ एसोसिएटेड है कंपेनियन सेल। इसका जो न्यूक्लियस होगा कंपेनियन सेल का, वो अपने सेल के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा, साथ साथ इस सेल के साथ ही एसोसिएटेड है इसके फंक्शंस को भी यही कंट्रोल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये परफोरेशन हमने बात ऑलरेडी करी ली है कि एंड वॉल्स जो है परफोरेटेड होंगे और वहाँ पर जो बिल्कुल एंड पॉइंट है उसको हम सीव प्लेट कहेंगे, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, सीव पोर्स। और इसका, सीव ट्यूब का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। यानी इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फूड को कंडक्ट कराना। ये कंडक्ट करेगा फूड को, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और वी कैन से फ्रॉम ग्रीन और स्टोरेज ऑर्गन्स टू द अदर ऑर्गन्स और अदर पार्ट्स। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स। नाम देखिए, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड। ये ऐसे सेल्स हैं, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब्स। हमेशा ये इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, हमेशा सीव ट्यूब्स के साथ ही प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको नाम कहा गया है कंपेनियन सेल्स। सो दीज कंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो इलोंगेटेड। देखिए ये भी लंबे लंबे सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, बट थिन वॉल्ड हैं। ये थिन वॉल्ड सेल्स होंगे, यानी इलोंगेटेड सेल्स हैं और थिन वॉल्ड सेल्स हैं। क्लियर? एंड दीज आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। बाई नेचर जो हैं ये पैरेन्काइमेटस हैं, पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे पैरेन्काइमेटस नेचर। अब पैरेन्काइमा का जो करेक्टरिस्टिक है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड होती है, वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल के साथ साथ जो है अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहाँ पर होंगी, और साथ साथ जो है साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पर नॉर्मल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, स्टोरेज का काम करते हैं। जो पैरेन्काइमा है उसका काम होता है स्टोरेज का, स्टोरेज करते हैं, साथ साथ पैकिंग टिश्यू भी यहाँ पर काम करते हैं। तो जो पैरेन्काइमा के नॉर्मल फीचर्स हैं लेस लाइक, वैसे ही फंक्शन ये यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म है, क्योंकि जनरली पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो स्टोरेज का काम है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का काम होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल्स होते हैं, तो जनरली साइटोप्लाज्म इनमें डेंस होता है, तो डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, सीव ट्यूब में तो न्यूक्लियस एब्सेंट था बट इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस अपने काम को, अपने फंक्शंस को तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, साथ साथ इसको भी कंट्रोल करता रहेगा। सो इसमें जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके बेस पर इसका नाम है, इट इज़ ऑलवेज एसोशिएटेड विद सीव ट्यूब, हमेशा सीव ट्यूब के साथ ही प्रेजेंट होंगे। फाइन, इनका फंक्शन क्या है? जो सीव ट्यूब काम कर रहे हैं उसमें हेल्प करना, कंडक्ट नहीं कराएंगे, कंडक्ट तो यही करेगा, काम ये करेगा, ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, फ्रेंड है, हेल्प करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये भी, क्योंकि ऑलरेडी पैरेन्काइमा है तो थिन वॉल्ड सेल्स हैं, जैसे पैरेन्काइमा का नेचर है उसके अकॉर्डिंग जैसा उनका स्ट्रक्चर है पैरेन्काइमेटस सेल्स का, एज इट इज़ स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो नॉर्मल जो पैरेन्काइमेटस सेल के स्ट्रक्चर हैं, फीचर्स हैं, वही फीचर्स यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन इनका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा? फूड को स्टोर करना, ये फूड को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये डेड एलिमेंट है। अभी तक हमने इसमें फोर एलिमेंट्स किए हैं,
जिसमें से सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर। यहाँ तक ये तीनों के तीनों लिविंग हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए टिश्यू को भी ओवरऑल हम कह रहे हैं लिविंग है। बट ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये डेड हैं, और जो डेड पार्ट हैं तो किसके बने हुए हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से बने हैं। ध्यान रखेंगे किससे बने हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से बने हैं। तो यहाँ पर जो है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए लिग्निफाइड फाइबर्स, लिग्निन का डिपोजिशन क्योंकि होता है स्क्लेरेन्काइमा में, तो यहाँ पर भी लिग्निफाइड फाइबर्स होंगे। सो फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, एंड दीज फाइबर्स आर लिग्निफाइड फाइबर्स, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। क्लियर? अगर कमर्शियल फाइबर्स की बात करें तो जूट, हैम्प, फ्लैक्स, दीज ऑल आर फ्लोएम फाइबर्स। ये सब कमर्शियल फाइबर्स, अगर हम साइंटिफिकली पूछें भाई ये किससे बने, सो दीज ऑल कमर्शियल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर? नाउ जस्ट लुक एट द डिफरेंशिएशन पॉइंट। डिफरेंशिएशन पॉइंट अक्सर पूछ लिया जाता है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू में क्या डिफरेंस है। तो जाइलम में देखिए, जाइलम के सबसे पहले फोर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनके नाम आप बता दीजिए। जाइलम में है जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो फ्लोएम में हो गए फोर, क्या क्या हैं, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइव पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स हैं। फिर जाइलम में केवल एक ही लिविंग सेल था, वो था जाइलम पैरेन्काइमा, अदर थ्री आर डेड। लेकिन यहाँ पर जो है थ्री पार्ट्स आर लिविंग, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर लिविंग एंड ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। क्लियर? इसके अलावा जाइलम क्या है, जाइलम इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी हम डिफ्रेंशिएट भी इनको कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में एक बात कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइन, थैंक यू, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।